सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको डबल ब्रश कोट कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। आप दूसरे पार्ट को देखते नहीं हो, इसलिए आपकी समझ में आती नहीं है और फिर आपको दिक्कत होती है। दोस्तों, अगर आपको किसी मेजरमेंट में, चाहे कोट हो, पैंट हो, सफारी हो, शर्ट हो, शेरवानी हो, लॉन्ग कोट हो, वास्कट हो, कोई भी आइटम किसी भी मेजरमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई अल्ट्रेशन आती है, तो आप अपना फ़ोन नंबर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी समस्या भी साथ में लिखिए। फिर मैं आपको समय निकाल कर किसी भी समय आपको फ़ोन करूँगा, आपकी समस्या का हल करूँगा। अगर फ़ोन पे समस्या हल नहीं होती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। अब देखिए, छाती से ज़्यादा पेट कितना है? 2 इंच। मैंने पहले भी वास्कट में, बंदी में, जोहारकट में बताया है कि जितना छाती से ज़्यादा पेट हो, आप यहाँ से उससे आधा, यानी 2 इंच ज़्यादा है तो 1 इंच आप यहाँ से टेपर कर लीजिए, 4 इंच ज़्यादा है तो 2 इंच टेपर कर लीजिए, 5 इंच ज़्यादा है तो 2.5 इंच टेपर कर लीजिए। ये टेपर का फॉर्मूला मैंने कई बार बता चुका हूँ, वही फार्मूला इसमें रहेगा। अब ये 2 इंच ज़्यादा है, 38 पेट 2 इंच ज़्यादा है तो ये हम 1 इंच यहाँ से टेपर करेंगे। पेट के निशान से ये 1 इंच टेपर होगा, ये पेट का निशान है, ये 1 इंच टेपर हो गया। अब हमारा ये निशान नहीं है, ये निशान ये नहीं है। अब हमने डबल ब्रेस्ट का 2.25 इंच यहाँ से लेना है, ये 2.25 इंच यहाँ से, 2.25 इंच इस पेट के निशान से, ये 2.25 और ये 2.25। इस हिसाब से हमने इसको भी, दूसरे डबल ब्रेस वाले निशान को भी टेपर करना है। ये देखिए, ये हमारा ऐसे टेपर हो गया। अब इसका ये पेट यहां से बाहर निकल गया। अब छाती है इसकी, अब हमने इस निशान से, डबल ब्रेस्ट के इस अंदर वाले निशान से हमने पूरा कोट काटना है। छाती है 38, ये हो गया 9.5, 1/4 कितना हो गया? 9.5। इसकी 1 इंच हमने तख्ती कम करनी है, 1 इंच ये हमने तख्ती कम कर ली, और 0.25 इंच आगे यहाँ से, ये 0.25 इंच आगे हमने एक, ये जो हमारी डट आएगी नीचे तक, इसके लिए हमने ये 0.25 इंच आगे बढ़ा के हमने ये डट डालनी है। तो ये 0.25 इंच हमने डट का निशान लगा लिया और ये 1 इंच हमने तख्ती कम का निशान लगा लिया। अब ये कितना है, ये देखिए, ये है 8.5 एक सूत। यहाँ से भी आप 8.5 एक सूत का निशान लगाइए और ये 4 इंच आधा सूत, 4.25 आधा सूत, ये इसका सेंटर हो गया। अब ये हमारा हाले का सेंटर हो गया। अब मैं इसको, इस निशान को, तख्ती वाले को पूरा लगा देता हूँ। ये हमारा पूरा निशान हो गया। अब इससे, इस निशान से 0.25 इंच इधर, 0.25 इंच ये हमारा, ये निशान हमारा नपेल का निशान होगा, यहाँ से जो नपेल आएगी। अब यहाँ से हम 1/3 तीसरा हिस्सा, अब लंबाई है इसकी 28 और 1 29, तो इसका तीसरा हिस्सा कितना हो गया? करीब 0.5, 0.5 से एक सूत ज़्यादा, ये 9.5 से एक सूत ज़्यादा, ये हो गया इसका तीसरा हिस्सा। इसको, इसको हम यहाँ ये निशान लगा देते हैं। ये हमारा जेब का हो गया। अब इससे
पौना इंच ऊपर ये हमने ये हमारा एक बटन लगेगा, ये कहा जाएगा बटन लगेगा और ये निशान इस नपेल के निशान से हम मिला देंगे। ये बिल्कुल सीधा निशान आएगा, ये हमारा नपेल का निशान आ गया। इसी शेप में जो ये नपेल की शेप है इसी शेप में हमने ये 2 इंच का एक और निशान लगाना, ये हमारा आला है। अब ये 2 इंच पे ये देखिए ये 2 इंच का निशान है, ये 2 इंच का निशान है। अब हमने इसका 16 इंच है हमारा, तो करीब 3.5 बनता है, 3.25 आधा सूत इसका डाउन बनता है, 2 सूत और भी ज़्यादा करेंगे हम तो ये 3.5 एक सूत पे हमने ये डाउन करना है, ये 3.5 एक सूत पे हमने ये डाउन करना है, 3.5 एक सूत पे डाउन करना है। अब नपेल देखिए हमें कितनी लेनी है, ये एक सीधा निशान लगा लें पहले, ये डाउन का हमारा निशान है, ये हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं। नपेल हमने 3 इंच तैयार रखनी है तो ये हम 3.25 एक सूत काटेंगे, ये 3.25 एक सूत ये हम काटेंगे क्यों, तभी 3 इंच तैयार आएगी, बाकी दबाव में निकल जाएगा। अब यहाँ से इस निशान को इस नपेल के निशान से हम ये मिला देते हैं, यहाँ थोड़ी थोड़ी राउंड शेप होनी चाहिए तभी आपकी नपेल अच्छी लगेगी। ये देखिए ये राउंड शेप आ गई है हमारी, तभी आपकी नपेल अच्छी आएगी। और इसको मैं इस निशान को ऊपर तक लगाऊंगा क्योंकि हमने ऊपर भी ठोका बनाना है। अब ये हमने 3 इंच की एक, अब इसका हाफ कितना हुआ, जितनी नपेल रखी है उसका हाफ हो गया 1.5 इंच एक सूत, 1.5 इंच 2 सूत हो गया, 1.25 इंच हो गया, 1.25 से थोड़ा सा कम आधा सूत, ये इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। अब हमने ठोका बनाना है, ये कम से कम 2.25 इंच का ये ठोका बनाना है और ये हमारा ठोका है। अब इस निशान से हमने ये जो 2 इंच लिया है इस हाले को हम यहाँ ये ऐसे मिला देंगे, ये हमारा ठोका हो गया। अब इसमें हमने दबाव रखना है, ये हमारा तैयार है, ये नोक जो ठोका ठोके वाली नोक है ये हमारी तैयार है, ये हाला भी तैयार है, लेकिन हमने इसमें दबाव रखना है। तो ये हमने 3-3 सूत का ये दबाव रखना है और ये हमारा हाला हो गया। यहाँ आप राउंड शेप भी दे सकते हैं, आप राउंड ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी नपेल कंप्लीट होगी तभी मैं काटूंगा तो आपको क्लियर नजर आएगी। अब हम ये प्लेट का क्लियर कर लेते हैं। ये हमारी ये प्लेट का निशान हमने जो दिया था कितना है टोटल, ये टोटल हमने यहाँ से देखना है ये 12 है, यहाँ से देखना है 10.5 है, ये टोटल हम ये हमारा 10.5 है, तो यहाँ हमने 9.5 रखना है इस निशान से, ये 9.5 और यहाँ से भी ये 9.5। अब इसको हम नीचे तक लगा देंगे और ये जो है इस शेप पट्टी से हमने इसको लगाना है, ये हमारी पूरी डट हो गई। अब डट को ये 1 इंच हमने निकालना है और यहाँ से पेट से 1/2 इंच ये निकालना है। अब यहाँ की ये शेप देख लीजिए आपकी ये आएगी, ये जो जेब का निशान है यहाँ से आधा पेट वाला है, ये देखिए हमने बिना पेट की छाती से कम पेट था उसकी हमने ये डट 1/2 इंच की निकाली थी, इसको हम कम से कम 1/4 इंच की डट निकालेंगे, 2 सूत ज़्यादा ही निकालेंगे, ये 1/4 इंच की ये डट निकालेंगे यहाँ पे और ये इस हिसाब से ये हम डट निकालेंगे।
इस डेट का फायदा ये है, डबल फायदा है इस डेट के। एक तो जहां से जो सलवटें आती है वो नहीं आएगी, दूसरा पेट वाला है, पेट का एक स्टमक ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे गुब्बारा टाइप बन जाएगा जिससे पेट पे फर्स्ट क्लास चिपक जाएगा फ्रंट। ये इसलिए डट निकाल दिया है। एक इंच ऊपर ये हमारी ये मुड्डे की गोलाई का हमने निशान है, यहां से हमारा मुड्डा ये गोल होगा, ये हमारा मुड्डा हो गया। अब ये जो निशान है इससे हमने करीब 1.25 इंच पे एक वॉलेट का निशान लगाना है, और ये नॉर्मल साइज है इसलिए 4 इंच की वॉलेट बहुत है। ये 4 इंच और ये 2 इंच इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब वॉलेट का निशान यहाँ से 1 इंच और इधर से ये 1 इंच, पहले ये सीधा निशान लगा लें। अब ये निशान और ये निशान, ये हो गया, ये हमारी वॉलेट पॉकेट हो गई। अब ये देख लीजिए ये कितना है, इस निशान से ये कितना है, इस निशान से ये 5 से 1 सूत कम है। तो यहाँ से ये 5 से 1 सूत कम ये रखेंगे। दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।